दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दिल्ली डीएलएड डाइट एंट्रेंस एग्जाम के लिए ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और इससे पहले दोस्तों ऑलरेडी हम 100 क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो अगर आपने उन सभी क्वेश्चंस को नहीं किए हैं तो उसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों प्रीवियस वीडियो में जो है ना कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट थे वो स्किप हो गए थे, उनको हमने नहीं किया था, तो सबसे पहले हम उन्हीं क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद आगे के क्वेश्चंस करेंगे। कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? विभक्त मतलब अलग करती है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों भारत और चीन के बीच ये रेखा है, ठीक है ना। और इस रेखा का नाम दोस्तों उस ब्रिटिश व्यक्ति के नाम पर ही रखा गया था जिन्होंने इसका सीमांकन किया था, जिन्होंने इस रेखा को निर्धारित किया था या ड्रॉ किया था, और कब? तो 1914 में, ठीक ना। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई थी या निर्धारित की गई थी? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा, और उसी के नाम पर यहाँ पर रखा गया है रेडक्लिफ लाइन। और ये कब किया गया था? तो भारत की स्वतंत्रता के दो दिन बाद, मतलब 17 अगस्त 1947 को, याद कर लीजिएगा एग्जैक्ट डेट। भारत के सुदूर पूर्व में, देखिए पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 और क्वेश्चन नंबर 47 में अंतर है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं ना, क्वेश्चन को समझते नहीं है और जल्दीबाजी में वो आंसर करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बांग्लादेश के साथ। इंटरनेशनल जो बॉर्डर है ना, ये सबसे ज़्यादा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। देन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो भारत के सुदूर पूर्व में, देखिए पूर्व में आप सभी जानते हैं दोस्तों म्यांमार भी और थाईलैंड भी है। तो भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक, ठीक ना, सबसे ज़्यादा लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो सही आंसर होगा म्यांमार। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? सही आंसर होगा दोस्तों श्रीलंका के साथ, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है ना, सब कॉन्टिनेंट के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो सही आंसर होगा श्रीलंका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा कोस्ट लाइन सबसे छोटी है? सही आंसर आप सभी जानते हैं गोवा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी जानते हैं, ये भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा इंटरनेशनल बॉर्डर दोस्तों बांग्लादेश के साथ लगती है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत किस देश के साथ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अफगानिस्तान, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है, मतलब क्या विशेषता है भारत की? तो सही आंसर ऑप्शन डी होगा, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है, ठीक ना, तो सही आंसर होगा इसका प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन सी। गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार का, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है, 52 में पूछा गया, तो सही आंसर होगा कोरोमंडल तट। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पूर्वी समुद्र तट दोस्तों कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, ठीक ना, पूर्वी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? दोस्तों ये जो कोस्ट है ना, ये गोवा से दमन तक फैला हुआ है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो ये दोस्तों परवाल उत्पत्ति से हुई है। परवाल को इंग्लिश में हम कोरल्स कहते हैं, इसके बारे में सर्च करके आप लोग और पढ़ सकते हैं। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सियाचिन दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है। हिमनद को हम इंग्लिश में ग्लेशियर और सीमांत क्षेत्र को हम इंग्लिश में फ्रंटियर कहते हैं। जो सीमा से लगी हुई एरिया होती है उसे हम सीमांत क्षेत्र कहते हैं। तो सियाचिन दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपने क्लास ट्वेल्थ में किए हैं, इसका सही आंसर भारत और पाकिस्तान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो इसे दोस्तों हम निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले तो दोस्तों आएगा हमारा पश्चिम बंगाल, ठीक ना, पूर्व से पश्चिम बोला गया है, तो पूर्व में सबसे पहले पश्चिम बंगाल आएगा। देन उसके बाद दोस्तों आपका आएगा झारखंड, ठीक ना, उसके बाद आएगा आपका छत्तीसगढ़, उसके बाद आएगा दोस्तों आपका मध्य प्रदेश, देन उसके बाद आएगा दोस्तों आपका गुजरात, क्योंकि कर्क रेखा आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए हमें यहाँ पर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश भी दिया गया है और बिहार भी दिया गया है, ठीक है, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाए। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती है? दोस्तों पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएँ लगी हुई है, इन तीन राज्यों को हम नगा, असम और मिजोरम के नाम से जानते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण दोस्तों सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था, याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर होगा दोस्तों त्रिपुरा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, वे सभी परवाल उद्गम के हैं। भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? सही आंसर होगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु को दोस्तों हम कीवीथू के नाम से जानते हैं। कीवीथू भारत के किस भाग में वैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही आंसर होगा अंडमान द्वीप समूह। दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या रखा गया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्वराज द्वीप। ऑप्शन सी, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पे आप सभी जानते हैं राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों सेवन सिस्टर्स से भी क्वेश्चन पूछा गया है, और दोस्तों ये आपने क्लास ट्वेल्थ में पॉलिटिकल साइंस में पढ़े हैं। देखिए इसका एक ट्रिक है, सात बहनों को याद करने का ट्रिक है, 3M 2A और TN। देखिए 3M, इसमें 3M है, तो एक M मणिपुर, दूसरा M मिजोरम और तीसरा M जो है मेघालय, इन तीनों को डिनोट करता है। पहला M मणिपुर, दूसरा मिजोरम और तीसरा मेघालय, उसके बाद 2A, तो एक के अरुणाचल प्रदेश और दूसरा असम, उसके बाद TN, तो एक त्रिपुरा और दूसरा नगा, ठीक है ना। तो ये राज्य हैं, टोटल सात राज्य हैं। अब दोस्तों इसमें कौन सा जो है सात बहनों का भाग नहीं है? तो देखिए पश्चिम बंगाल नहीं है, हमने याद कर रखा है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत मतलब फैला हुआ भू आकृति प्रदेश कौन सा है? तो ये दोस्तों दक्षिण का पठार है। भारत की इस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सिक्किम राज्य की सीमा। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश लैटिट्यूड भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करती है? तो इसे दोस्तों हम 23° 30' नॉर्थ के नाम से जानते हैं। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु दोस्तों 68° 7' पूर्व गुजरात में स्थित है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। भारत के पश्चिम बिंदु का नाम बताइए, इसे दोस्तों हम गुहार मोता के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी दोस्तों अमरावती है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसे दोस्तों भावर कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह क्या है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे दोस्तों हम कक्ष का लिटिल रन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी
ठीक है, कच्छ का लिटिल रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। देखिए भारत में कितने राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों, केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, कि 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो कुल दोस्तों भारत के जो हैं 4 राज्य हैं, ठीक ना, 4 टोटल, मतलब मिक्स है क्योंकि यही यहाँ पर पूछा गया है, तो टोटल 4 हैं। पटकई बुम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है, तो ये दोस्तों भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पटकई की पहाड़ियाँ जो है भारत और म्यांमार को अलग करती हैं, तो म्यांमार पूर्व में है इसलिए ये पूर्व में ही स्थित होगा। पश्चिमी घाट को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो पश्चिमी घाट दोस्तों पठारों का ढलान के नाम से जाना जाता है, याद कर लीजिएगा। विश्व में सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये दोस्तों असम में स्थित है, ठीक ना, असम में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, तो ये दोस्तों कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। भारतीय मानक समय का यामियोत्तर नहीं गुजरती, दोस्तों भारतीय मानक समय को हम इंग्लिश में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जानते हैं IST, और यामियोत्तर को हम इंग्लिश में मेरिडियन कहते हैं, तो भारतीय मानक समय का मेरिडियन दोस्तों ये महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती, ठीक ना, महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय का कैलकुलेशन दोस्तों मिर्जापुर के क्लॉक टावर से की जाती है, और ये दोस्तों इलाहाबाद के पास में स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी के पहाड़ी से चिन्हित है, तो ये दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ी से चिन्हित है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है, कोरोमंडल तट। भारत प्रमुखता एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, किस कारण से, अक्षांशीय विस्तार के कारण से, अक्षांशीय को हम इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं। भारतवर्ष आकार में दोस्तों विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, याद कर लीजिएगा। भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज का श्रेय दोस्तों पुर्तगालियों को जाता है। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम कोरोमंडल तटीय मैदान है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ठीक है ना, भारतीय सर्वेक्षण, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम, ठीक है ना, आरोही क्रम आपको बताना है, कहने का मतलब ये है कि बढ़ते क्रम आपको बताना है, तो सही आंसर होगा, पहले नेपाल आता है, देन उसके बाद पाकिस्तान आता है, चीन आता है, और बांग्लादेश आता है, ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करती है, तो ये दोस्तों लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती, सही आंसर होगा असम। यहाँ पर मैप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो मैप को आप लोग जरूर रीड करके जाइएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, छत्तीसगढ़ की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का परवाल द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है, ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ठीक ना, यहाँ पर भी मैप से पूछा गया है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के पश्चिमी कोस्ट जो एरिया है, ठीक ना, के उत्तरी भाग को जिस नाम से जाना जाता है वह क्या है, तो इसे दोस्तों हम कोंकण के नाम से जानते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक ना, गल्फ और मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और किसके बीच है, तो ये दोस्तों श्रीलंका के बीच है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मेघालय, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, याद कर लीजिएगा मेघालय होगा ना कि सिक्किम, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार किसके तट के साथ अवस्थित है, तो तमिलनाडु के तट के। चेरापूंजी स्थित है, दोस्तों चेरापूंजी खासी पहाड़ियों में स्थित है। कोरोमंडल समुद्री तट कोस्ट लाइन किस राज्य में अवस्थित है, तो ये दोस्तों तमिलनाडु में अवस्थित है। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों दक्कन पठार का। अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है, त्रिपुरा। मिजोरम राज्य की राजधानी दोस्तों आइजोल है। और पणजी किस राज्य की राजधानी है, तो आप सभी जानते हैं गोवा। बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चरगाह है, यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं, उत्तराखंड में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों त्रिशूर और तिरुवल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भीति नहीं पाई जाती, कैम्बे की खाड़ी, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप सब कॉन्टिनेंट मुख्य भूमि से अलग हो गया था, इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता था, टे थीज, ऑप्शन डी इसका
सही आंसर होगा ऑप्शन डी, याद कर लीजिएगा। कर्क रेखा डैश के सिवा निम्नलिखित सभी राज्यों से होकर गुजरती है, तो हरियाणा से नहीं गुजरती, ये आप सभी जानते हैं। पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है, म्यांमार और बांग्लादेश से, मैप से पूछा गया है। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है, सही आंसर होगा पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दो अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा इंटरनेशनल बॉर्डर को साझा नहीं करता, त्रिपुरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य दोस्तों मध्य प्रदेश है, पहले नंबर पे राजस्थान है और थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र है, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों लक्षद्वीप, ठीक है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, देखिए सेकंड वाला ऑप्शन, भारत सॉरी संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ये हम सभी जानते हैं, और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, भारत के बीच से होकर गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता, तो सही आंसर होगा दोस्तों बिहार, बाकी ये तीनों राज्य भूटान के साथ सीमा बांटता है, मतलब इनका जो बॉर्डर है ये लगा हुआ है भूटान के साथ। सो थैंक यू दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चंस करते हैं, नेक्स्ट वीडियो